हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, एक्चुअली ओला और उबर। जो बंदे ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं उनकी प्रॉब्लम एक ये आती है कि उनकी कुछ लोगों की आउट स्टेशन नहीं खुलती। तो उबर में तो क्या है कि आज आईडी बनाओ आपको आउट स्टेशन खुली हुई मिलेगी और बुकिंग भी आएगी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ मामला किस चीज़ का रहता है, ओला का। आप YouTube पर सर्च करके देखो कि ओला की आउट स्टेशन कैसे खुलेगी। मैंने कहूँ हज़ारों वीडियो आ जाएगी लेकिन कोई प्रॉपर तरीका नहीं बता पाएगा कि कैसे खुलेगी। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे खुलेगी और मेरी कैसे खुली है आउट स्टेशन, ओला की आउट स्टेशन मेरी कैसे खुली है। और लोगों के एक्चुअली YouTube पे आप जाओगे तो कई तरीके के आपके वो आते हैं। कोई बोलता है कि भाई आउट स्टेशन पे ये है, कस्टमर केयर से कॉल करो कस्टमर केयर से कॉल करके जब खुलेगी। तो मैंने वो भी ट्राई करा। फिर कुछ बंदे ने बोला कि भाई इसको कस्टमर केयर पे मेल करो कि मेरी आउट स्टेशन खोल दो। तो भैया वो भी ट्राई करा, तो उन्हें भी यही मतलब कोई सलूशन उसका नहीं हुआ। दूसरा बंदा कह रहा है कि भाई ओला की आउट स्टेशन जब खुलेगी, जब आपकी 100% एक्सेप्ट रेट होगी, 100% आपकी रेटिंग अच्छी होगी, जो ओला में जो रेटिंग आती है ये अच्छी होगी और 100% एक्सेप्ट रेट अच्छा होगा। तो हमने भी सोचा, मैं कहा चलो यार 100% एक्सेप्ट रेट करके देखते हैं। तो भाई लेकिन 100% एक्सेप्ट रेट करना इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कोई 100% एक्सेप्ट रेट कर देगा, क्योंकि खुद कस्टमर ये 5-10% तो खुद कस्टमर ही कैंसिल कर देता है लोकेशन पे जाने के बाद। तो फिर खुलेगी तो खुलेगी कैसी। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं कहा चलो भाई कैसे तिकड़मबाजी करें। मैंने सारे पैतरे अपना के एक महीने पहले छोड़ दिए। फिर मेरे को आज ही एक मैसेज आया, मैं मैसेज आपको दिखाना चाहता हूँ मेरी कैसे खुली। ये रहा, इसमें ये आया भाई कि आपकी आउट ऑफ स्टेशन राइड जो है वो खुल गई है और आप इसमें ड्यूटी कर सकते हैं। ये इसकी कुछ गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको रेटिंग दिखाऊंगा अपनी, रेटिंग तो एक्चुअली नहीं दिखा पाते क्योंकि पता ही नहीं रेटिंग कहाँ से दिखाई जाती, वो तो कस्टमर के उसमें आएगी। और एक्सेप्ट रेट मैं आपको दिखा सकता हूँ अपना, एक्सेप्ट रेट और कैंसिल रेट। अब ये देखिए 148 रेट में उसमें था कुल 25% राइड मैंने 25 राइड मैंने एक्सेप्ट करी जो 17% बैठती है। और कैंसिलेशन रेट देखिए मेरा कितना, उसमें तो 25 में तभी मैंने 6 कैंसिल कर दी। और ये इसी महीने का, इससे पिछले महीने का भी देख लो, 16% एक्सेप्ट रेट, 34% कैंसिल रेट। तो ये तो मैटर खत्म हो गया कि भाई ये कैसे खुलेगी, मतलब एक्सेप्ट रेट से खुलती है। और वह मैंने कॉल करके मेल करके देख लिया और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी खुली है कि ये नहीं खुली है। तो देखो आज मेरे को मैसेज आया कि आपकी आउट स्टेशन खुल चुकी है, आप इसको अगर मतलब राइड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो आप इसको ऑन करके सकते हो, नहीं तो कैंसिल वो बंद कर सकते हो, बाकी परमानेंट के लिए आपकी एक्सेप्ट वाली खुल चुकी है। तो फिर दूसरी बुद्ध यही है कि कैसे खुली मेरी। तो भाई बहुत से बंदे बोल रहे थे कि 300 राइड पूरी करने के बाद खुलेगी 300 राइड, क्योंकि ये ओला भी खुद बताता है जब उनके 300 राइड होने में आपकी वो खुल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, जब खुलती है ना अपने आप खुल जाती है, मेरी अपने आप खुली है। मैंने एक महीने पहले सारी तिकड़मबाजी करके देख ली थी, नहीं खुली, और आज अचानक से अपने आप ही खुल गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओला का कि मेरी आउट स्टेशन खोल दी, क्योंकि भैया हम तो भारी परिंदे हैं, आउट स्टेशन लेनी पसंद करते हैं। तो चलिए दिखाते फिर आपको कहाँ कहाँ कोई आउट स्टेशन जब बुकिंग मिलेगी, तो उसका खासकर ब्लॉग जैसा जरूर बनाया जाएगा। और ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो इसीलिए बनाई कि बंदे बहुत से परेशान होते हैं, हमें खुद परेशान हुआ था कि कोई भी सलूशन नहीं हुआ, बंदे के तरह तरह की वीडियो बनाते हैं उस पर और वीडियो देख देख के पता लगा कुछ नहीं रिजल्ट मिला।
तो फिर आदमी फिर निराश हो जाता है। तो इसलिए मैंने दिखाया कि भाई अपने आप खुल जाएगी जिसकी खुलनी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बाय बाय।